नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम शनि ग्रह के जो वक्री स्थिति में नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, नक्षत्र चरण का जो परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से इतनी शुभ परिस्थितियां बनने वाली हैं, या मैं यूं कहूं कि जिनका कुंभ लगन है या शनि क्योंकि अब कुंभ राशि में आया है, तो जब भी कुंभ राशि में धनु नवांश में कोई भी ग्रह जाएगा, मतलब वो तीसरे चरण में जब अपने नवांश में पहुंचेगा, जैसे इस समय शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में शनि महाराज का गोचर होने वाला है वक्र स्थिति में। इस समय तीन ग्रह वक्र स्थिति में है, बुध शुक्र शनि। तो जैसे ही शनि महाराज वक्र स्थिति में पहुंचेंगे शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में, जो कि 22 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में स्थिति बनने वाली है, तो आप पूछिए मत, शनि के पास शुभ प्रभाव देने की इतनी जबरदस्त पावर आ गई है, किसका कोई हिसाब नहीं है। कारण बनेगा धनु नवांश। धनु नवांश कुंभ लगन के हिसाब से या कुंभ राशि के हिसाब से जो धनु नवांश होता है वो एकादश स्थान दूर होता है। आप चार्ट में देखिए, 11th हाउस पीछे जो है वो इस समय नवांश में जो है वो शनि महाराज गोचर करेंगे। तो जो 11th हाउस होता है या 11वां भाव होता है वो लाभ स्थान होता है। इस समय शनि महाराज के पास लाभ की स्थितियां देने की प्रबल पावर आ गई है, फुल पावर इस समय इनके पास आ गई है। और बहुत शुभ इस समय शनि का ये मैं कह सकता हूं जो गोचर होने वाला है 22 अगस्त से 15 अक्टूबर का जो समय है, शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र के प्रथम चरण में धनु नवांश में बहुत उत्तम परिस्थितियां आपके लिए लेकर के आने वाला है। और सभी लग्नों को लाभ की स्थिति बनने वाली है। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि लाभ अपने से लाभ स्थान के नवांश में गया है, तो नवांश जो होता है जन्म कुंडली की जान होती है। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर लगन आपको बाहर से पेड़ दिखा रहा है तो उस पेड़ में अगर फल लगेंगे, फूल लगेंगे, ये सब देखना हो तो नवांश में देखा जाता है। तो नवांश में इस समय धनु नवांश में जो गोचर है ये धन संपत्ति आपको सब कुछ देने वाला है। और एक तरह से ये धर्माधि कर्माधिपति योग भी बनेगा क्योंकि धर्म के नवांश में गया है, गुरु के नवांश में गया है। तो इस समय जो लोग बुजुर्ग हैं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं या धार्मिक लोगों का जो सम्मान करते हैं, जिनके पास आध्यात्मिक नॉलेज है, जो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य का आचरण करते हैं, धर्म के पथ पर अग्रसर हैं, समाज की सेवा करते हैं, जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं, उन सभी को इस गोचर में शनि के बहुत उत्तम लाभ मिलेंगे। समाज में मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ उनको प्राप्त होने वाला है। तो ये बहुत उत्तम स्थिति बनी है क्योंकि शनि और गुरु का जो है वो आपस में समभाव की स्थिति रहती है। तो इसलिए आप सभी लग्नों पर जो उसके शुभ परिणाम आएंगे उसके विषय में आप वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे वही आग्रह है, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एक बेल आइकन उसे प्रेस कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहले मेष लगन की बात होगी। मेष लगन वालों के लिए शनि महाराज जो है आपके एकादश स्थान में गोचर कर रहे हैं और अब शनि धनु नवांश में आ गए हैं। अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो ये भाग्य स्थान में समय शनि महाराज का नवांश वाइज गोचर होगा, भाग्य की उदय की स्थितियां बनेगी। धार्मिक स्थलों से जो लोग जुड़े हैं उनको लाभ यहां दिलाता हुआ नजर आएगा क्योंकि आपको लाभ मिलना है। पिता से आपको लाभ की प्राप्ति हो जाए, भाग्य उन्नति हो जाए, आपको इस समय शनि जो है वो कर्म पथ पर अग्रसर करेगा और कर्म के माध्यम से आपको बहुत जबरदस्त मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। पिता का सहयोग, बुजुर्गों का सहयोग, घर में कोई बुजुर्ग है, आसपास कोई बुजुर्ग है, सीनियर व्यक्ति है, उसकी पूर्ण रूप से मदद मिलेगी। और हो सकता है कोई आध्यात्मिक गुरु इस समय जो है वो मेष लगन वालों को मिल जाए। बहुत अच्छी स्थिति में शनि महाराज धनु नवांश में गोचर कर रहे हैं। वृषभ लगन वालों की बात करूं, वृषभ लगन वालों के लिए शनि महाराज की जो स्थिति है आपके दशम केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ स्थान में गोचर करेंगे, वहां से दूर आपके, मतलब कि जो धनु नवांश आपके आएगा वो आपके अष्टम स्थान में आ रहा है। तो जो आपको लाभ की स्थितियां प्राप्त होने वाली है, सबसे पहले तो कार्य क्षेत्र, कार्य व्यवसाय, जिन क्षेत्रों में आप काम, जहां भी आप काम करते हैं वहां से आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति यहाँ पे हो जाती है, किसी के मरने के पश्चात पैसा मिल जाता है, या ऐसे प्रोफेशंस जहाँ पर जो है वो मृत्यु की समाचार सामान बेचा जाता है और जो आपके सामान यूज़ होता है मरने के लिए, उस तरह के प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हैं, LIC से जो लोग जुड़े हैं, उसके अलावा लेगेसी का यहाँ पैसा मिल जाता है, अचानक धन लाभ की स्थितियाँ बनती हैं। और इस समय वृषभ लगन वालों को कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल में जो है वो कहीं ना कहीं बहुत उत्तम लाभ की स्थितियाँ मिलने वाली है, मान पद प्रतिष्ठा आपका भी बढ़ने वाला है। धनु लगन वालों की बात करूँ, धनु लगन वालों के लिए शनि महाराज भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं और भाग्य का इस समय जो नवांश में गोचर है वो आपके सप्तम स्थान में कलत्र भाव में हो रहा है।
तो मिथुन लगन वालों के लिए इस समय जो पार्टनर जो इनके साथ है उसके साथ संबंधों में मधुरता आ जाएगी। दूर है कोई पार्टनर तो वो नज़दीक आ जाएगा। पार्टनर की तरफ से आप कुल मिलाकर के बहुत लाभ की स्थितियां कमाते हुए नजर आएंगे। प्रेम विवाह का, प्रेम संबंध बनने का बहुत उत्तम चांस बनता है। भाग्य साथ देगा, उसकी वजह से कोई इंडस्ट्रीज बिजनेस आप करना चाह रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। कोई पार्टनरशिप में आपको लाभ की स्थिति यहाँ पर ये शनि दिलाता हुआ नजर आएगा। विदेशों में मान सम्मान की जो प्राप्ति होती है, विदेशों में जो लोग गए हैं उनकी स्थितियाँ उत्तम हो जाए, ये सप्तम भाव से देखा जाता है। तो इस समय जो है वो शनि के पास ये सब कुछ देने की बहुत अच्छी पावर इस समय आ गई है। धनु नवांश में जाने पर विवाह की परिस्थितियाँ भी बनेगी, पार्टनरशिप से भी लाभ की स्थितियाँ धनु लगन वालों के लिए बन रही है। कर्क लगन वालों की बात करूँ, कर्क लगन वालों के लिए अष्टम स्थान में शनि महाराज का गोचर हो रहा है। नवांश जो है वो आपके छठे भाव में आएगा। तो छठे और आठवें भाव का जो यहाँ संबंध बनने वाला है, तो विपरीत परिस्थितियाँ स्थितियाँ जितने विषम होंगी उतना आप समझ लीजिएगा आपके लिए लाभ की परिस्थितियाँ यहाँ पर खड़ी होने वाली है। ऋण ऋण लेना चाहते हैं या जो लोन देते हैं जिनका प्रोफेशन है वहाँ से आपको जो है पैसा कमाते हुए आप नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में, वर्किंग क्लास में जो लोग हैं, सर्विस क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनको शनि महाराज पूर्ण रूप से सफलता यहाँ दिलाएगा। कोई इंडस्ट्रीज आप चलाते हैं, कोई बिजनेस आपका है जो लोहे से संबंधित बिजनेस है, माइनिंग का काम है आपका, पत्थर का काम है, हार्डवेयर का काम है, तो शनि इन सभी रोजगार जो रोजगार वाले हैं या प्रोफेशन वाले हैं उनको लाभ दिलाएगा। सिक्स्थ हाउस सर्विस का हाउस होता है, सिक्स्थ हाउस रोग का होता है, तो डॉक्टर्स के लिए जो है स्थितियाँ बहुत उत्तम बनने वाली हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर कह सकते हैं स्थितियाँ आपकी बहुत उत्तम होने वाली है। आपके मामा के पक्ष में भी कोई ना कोई आपको खुशी या शुभ समाचार वहाँ से प्राप्त हो सकता है, तो मामा के पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा। कर्क सिंह लगन वालों की बात करूँ, सिंह लगन वालों के लिए शनि सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, इस वहीं पर गोचर कर रहे हैं। इस समय आपके शश महापुरुष नामक योग भी बन रहा है और नवांश तो आपके लिए तो सिंह राशि वालों को बहुत पकड़ा हुआ है। पंचम भाव में इस समय जो है वो नवांश वाइज आ गए हैं, तो आमोद प्रमोद, एंटरटेनमेंट, प्रेम प्यार, लव मैरिज और प्रेमी और प्रेमिका से संबंध बन जाना और उत्तम लाभ की स्थितियां जिसको कहते हैं कि हर तरह से खुशियों का माहौल, पैसा आ जाना, लाभ की स्थितियां बन जाना सिंह लगन वालों के लिए बनी हुई है। बच्चों की तरफ से भी शुभ समाचार यहाँ आपको प्राप्त होने वाला है और कार्य क्षेत्र, कार्य व्यवसाय में मान सम्मान की प्राप्ति, राजपद प्रतिष्ठा, सरकार से कोई लाभ मिल जाना, मंत्री पद मिल जाना, एडवाइजरी पोस्ट मिल जाना, इस तरह से सिंह लगन वालों के लिए बना हुआ है। कन्या लगन वालों की बात करूं, कन्या लगन वालों के लिए आपके छठे स्थान में समय शनि महाराज गोचर कर रहे हैं और जो इन्होंने नवांश पकड़ा है वो आपके चतुर्थ स्थान में, सुख स्थान जिसको फोर्थ हाउस सुख स्थान भी कहा जाता है। और जब हम कालपुरुष की कुंडली देखी जाती है तो उसको ग्रेव कहा जाता है, दफनाने की जगह जहाँ हमारे सीक्रेट्स या हमारे राज दफनाए जाते हैं। तो अब ये जो नवांश यहाँ पकड़ा है तो सबसे पहले तो सुख भोग इस समय शनि महाराज आपको देते हुए नजर आएंगे। छठे भाव का जो नवांश में चतुर्थ स्थान केंद्र स्थान में गोचर करना नवांश वाइज शनि महाराज के पास इस समय जो है वो परिणाम देने की स्थितियां बहुत उत्तम हो गई हैं, तो आपको शुभ परिणाम देंगे। केंद्र भाव में क्रूर ग्रह की जो स्थिति होती है चाहे वो नवांश में हो चाहे वो D1 चार्ट में हो उत्तम रहता है, तो इस समय शनि आपको सुख भोग, कार्य व्यवसाय में आपके स्वास्थ्य में उन्नति करते हुए नजर आएंगे, मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, हर तरह से आपके लिए भी खुशी का माहौल यहाँ पर रहने वाला है। खास तौर पर जो कृषि संबंधी कार्य हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, शनि उनको यहाँ पर लाभ दिलाएगा। तुला लगन वालों की बात करें, तुला लगन वालों के लिए पंचम भाव में शनि महाराज का गोचर हो रहा है और नवांश इन्होंने तीसरा पकड़ा है, तो इस समय हो सकता है या इसमें बहुत सारे ज़्यादा चांसेस बनने वाले हैं कि कोई शुभ समाचार, क्योंकि धनु नवांश आपका जो कि एक तरह से डिवाइन साइन होता है, धनु जो राशि होती है परमात्मा से, अध्यात्म से, उससे संबंध इसको जोड़ा जाता है, धार्मिक क्षेत्रों से इसका संबंध जोड़ा जाता है और फॉरेस्ट रीजन जंगलों से एडवेंचर करने को इस तरह की जो है इस राशि के स्वभाव माना जाता है। और इसके जो प्रथम चरण होते हैं या फर्स्ट हाफ होता है वो चतुष्पद होता है, मतलब फोर फुटेड होता है, और पिछले वाली जो होता है वो आपका द्विपद होता है। तो इस समय जो ये धनु नवांश यहाँ पर आपको तृतीय भाव में, तो कोई ना कोई शुभ समाचार आपको तुला लगन वालों को प्राप्त होगा, कोई डिवाइन जो है शुभ समाचार यहाँ पे मिलने वाला है। उसके अलावा जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, छोटी यात्राओं का जिनका कार्य है, उनको भी यहाँ पर पूर्ण लाभ मिलेगा। संतान की तरफ से लाभ की स्थितियाँ बनने वाली है क्योंकि संतान पक्ष से 11वें भाव दुर्ग है, तो संतान की तरफ से लाभ आपको मिलेगा। लॉटरी, शेयर मार्केट, इस अचानक पैसे की धन प्राप्ति का इस समय अवसर तुला लगन वालों के लिए बन रहा है क्योंकि आपको लाभ मिलना है इन चीज़ों से।
तो ये आपके लिए यहाँ बना हुआ है। उसके बाद मैं वृश्चिक लग्न वालों की बात करूँ तो वृश्चिक लग्न वालों को जो लाभ की स्थितियाँ बनने वाली है वो धन संबंधी मामलों में बनने वाली है। चतुर्थ स्थान में गोचर कर रहे हैं शश महापुरुष नमक योग, आपके लिए भी बन रहा है। और ये जो राशि पड़ती है ये आपकी स्थिर राशि, जो स्थिर लग्न होता है आपका, और स्थिर लग्न का स्वामी होकर के इस समय जो है ये आपके द्वितीय स्थान धन स्थान में आपको लाभ दिलाएगा। तो कुटुंब से लाभ की स्थितियाँ पैदा हो जाए, आपकी वाणी के द्वारा, आपके ओरेटरी स्किल्स के द्वारा आपको पैसा मिल जाए, उसके अलावा कुटुंब का पैसा यहाँ पे दिलाता है। तो पैसा कमाना, फिक्स एसेट्स, बैंकिंग सेक्टर से जो लोग जुड़े हैं उन सभी को जो है वो लाभ की स्थिति यहाँ पर वृश्चिक लग्न वालों को बनने वाली है। और जो पैसों से जो डील करते हैं या पैसों से संबंधित जो भी कार्य समय रहने वाले हैं वो आपको लाभ की स्थितियाँ पैदा करके जाएंगे। चाहे वो आपका भी एग्रीकल्चर से कोई काम हो, रियल इस्टेट से कोई काम हो, शनि से संबंधित कोई भी रोजगार आप करते हो, चमड़े का काम है, लोहे का काम है, पत्थर का काम है, इन सभी प्रोफेशन वालों को धन की स्थितियां आपको प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। धनु लगन वालों की बात करूं तो धनु लगन वालों के लिए तो लगन कहीं पे ही नमांच आ गया। और तृतीय भाव छोटे भाई बहनों की तरफ से जो है आपको लाभ की स्थितियां प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और लगन का नमांच हो गया तो आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाएगा, स्वास्थ्य आपका इतना उन्नत हो जाएगा, आपका ऑरा इतना उन्नत हो जाएगा कि जो कोई भी व्यक्ति आपके संसर्ग में आ गया या आपके संपर्क में आ गया उससे आप अपना कोई भी कार्य करवा सकते हैं। इस समय किसी से मीटिंग फिक्स करनी है, किसी को इंटरव्यू देने जाना है, कहीं अप्लाई किया है आपने, अपना CV देना है, तो इस समय आप जाइए, अपना पक्ष इस समय रखिए। सरकार की तरफ कोई टेंडर लगा है तो वहाँ बात करनी है, तो इस समय आप जाइए। धनु लगन वालों को आपको पूर्ण रूप से जो है लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मकर लगन वालों की बात करूंगा, मकर लगन वालों के लिए इस समय नवांश विदेशों से जो धनु नवांश होता है वो 12वें भाव में होता है। तो आपके लिए जो धन कमाने की स्थितियां इस समय बनने वाली है वो है विदेशों में। तो इसलिए जो लोग विदेशों में बसे हुए मकर लगन वाले विशेष तौर पर लाभ कमाएंगे। उसके अलावा जिनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, इंडिया में रहते हैं या स्वदेश में रहते हैं, तो जो है वो विदेशों से इस तरह से धन प्राप्ति के अवसर उनको बन रहे हैं। उसके अलावा 12वां भाव जो होता है व्यय का होता है या वेस्टेज का होता है, तो व्यक्ति जो है वो वेस्टेज भी कर देता है। तो इसलिए इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट में कहीं पैसे को लगाते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति यहाँ बनी हुई है। शनि धनु नमांच में गया है, चैरिटी में आप जो है पैसा देना चाहते हैं, धर्म कर्म अध्यात्म में करना चाहते हैं, तो वो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसलिए आप इन कार्यों में जो है वो पैसों का व्यय कीजिए और खर्चा कीजिए, और परंतु ये पैसा आपको अवश्य इस समय शनि महाराज धनु नवांश में गोचर करने पर दिलाते हुए नजर आएंगे मकर राशि वालों को, मकर लगन वालों को। कुंभ लगन वालों की बात करूँ, लग्नेश की स्थिति लाभ स्थान में है, तो आपको तो हर तरह से चहुं ओर से जो कह सकता हूँ कुंभ लगन वालों को पैसे आने की स्थितियाँ बनी हुई, लाभ लाभ और लाभ ये आपके लिए बना हुआ है। तो इसमें आपको ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, हर तरह से आप लाभ कमाएंगे। नौकरी करते हैं तो उसके अलावा कोई बिजनेस से आप लाभ कमाते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा धन या एक्स्ट्रा लाभ जो है वो कुंभ लगन वालों के लिए स्थितियां बनी हुई है। तो बहुत उत्तम स्थिति बनी है, बड़े भाई बहनों से आप लाभ कमाते हुए नजर आएंगे, अपने यार मित्रों से, सोसाइटी में जहाँ रहते हैं वहाँ से जो है आप पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा मैं बात करूँगा मीन लगन वालों के लिए, तो मीन लगन वालों के लिए जो लाभ की स्थितियाँ बनने वाली है वो उनके कर्म क्षेत्र से हैं। तो आपका कर्म क्षेत्र जितना इस समय आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। तो इंक्रीमेंट लग जाए जॉब में, प्रमोशन आपकी यहाँ हो जाए, या उसके अलावा कोई आपको अवार्ड मिल जाए, ऑनर मिल जाए। दशम स्थान जो होता है वो मान सम्मान होता है, धन दिलाता है, वैभव दिलाता है, समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाता है, ऊंचाइयाँ दिलाता है जीवन में। तो यहाँ पर ये सभी तरह की चीज़ें जो हैं वो इस समय मीन लगन वाले प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आपके 12वें भाव का स्वामी गया है, तो जो लोग विदेशों में है, विदेशों से कोई संबंध बन, जिनका कोई ना कोई संबंध है, उनको भी ये लाभ की स्थितियां जो है वो मीन लगन वालों को विशेष तौर पर मिलने वाली है। नमांश बहुत ज़बरदस्त उत्तम इस समय इसने पकड़ रखा है, धनु नमांश। तो ये आज हमने शनि का जो नमांशीय स्थिति है, जो शतविशा नक्षत्र के प्रथम चरण में वक्री स्थिति में पहुंचे हैं, और धनु नमांश में जो इन्होंने गोचर करना है, जो कि जैसे मैंने आपको कहा 22 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच का ये समय है, तो ये समय जो है वो लाभ कमाने का है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।